मध्य प्रदेश में किसान सोयाबीन के भाव 6000 रुपए क्विंटल किए जाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरदा जिले में किसानों ने आक्रोश रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हरदा जिले के बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ सड़क पर उतर आए। किसानों ने अपनी मांग पूरी करने के लिए जमकर नारे लगाए। किसानों ने सोयाबीन का भाव 6000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की। ट्रैक्टरों पर तिरंगे झंडे और अपनी मांगों को लेकर बैनर लेकर किसानों ने हरदा जिला मुख्यालय पर खंडवा बाईपास से कृषि उपज मंडी प्रांगण तक आक्रोश रैली निकाली, जिसमें दर्जनों घोड़े, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सहित किसान मंडी प्रांगण पहुंचे और कलेक्टर आदित्य सिंह को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज हरदा जो हमारी कृषि मंडी है, वहाँ पर किसानों के माध्यम से अपनी डिमांड रखी गई है, जो कि सोयाबीन के फसल के उपार्जन के विषय में है। लगभग हमारे कृषि उपज मंडी में आज जो किसान थे वो हरदा के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से आए थे। सभी की हम लोगों ने जो भी इसमें पॉइंट्स थे, मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारी सभी टीम के समक्ष उनके जितने भी बिंदु थे सभी को सुना गया और उनकी बात जहां सक्षम हमारे जो अधिकारीगण हैं वहां तक पहुंचाने के लिए हमने इसमें उनको आश्वासित किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।